राजपाल 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 जय श्री राम, जय श्री श्याम। कैसे आप सभी लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 3:30। तो आज हम फिर दोबारा खाटू नगरी जा रहे हैं, क्योंकि बाबा ने दोबारा बुलाया और बुलाता रहे। ऐसी कृपा आप पर भी बनी रहे और मुझ पे भी बनी रहे। और राहुल फिर मेरे साथ जा रहा है। हेलो गाइस, तो बोल दे। तो अभी वेट कर रहे हैं बागड़ी साहब का और सचिन का, जो पांडा है हमारे, और एक भाई मानशु भाई है, वो आ रहा है बरवाला से। बरवाला हमें आगे मिलेगा वो। तो अभी वेट कर रहे हैं बागड़ी साहब का और पांडा साहब का। हम तो पहुंच के अपने लोकेशन पर, बस उनकी वेट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं वो भी। तो चलते हैं, आज का सफ़र देखते हैं कैसा रहता है। तो बागड़ी साहब की बाइक में तेल हो गया है ख़त्म। हाँ ख़त्म। साढ़े फुल टंकी है अभी, देख फुल कर दे। देखते हैं भाई कितने का तेल आऊगा टोटल। कितने लीटर की है यार, बताओ कौन मेरा कितने लीटर की टंकी है। वो भी गई फुल ही थी फिर, मतलब 4 लीटर है। मैंने भी पिछली बार 4 लीटर ही भरवाया था। ऊपर तक भरवा ले, ऊपर तक तैरता रहना चाहिए यार तेल, तब अब मेरी दिखती है। ना ना भाई, अब पांडे वाली में देखते हैं भाई कितने का तेल आओ। मन तो कराई थी परसों फुल, थोड़ा सा ही ओके। इतनी कितनी एवरेज तेल लग रही है? अरे नहीं, परसों तो फुल 3-4 लीटर तो आओगा। 2 लीटर हाँ भाई, एक घंटे से वेट कर रहे हैं हिमांशु का। पीछे काफी पीछे रह गया था वो, तो क्या कहना चाहोगे? बहुत पीछे भाई, देख ले स्प्लेंडर वाले उससे पहले आ गए और वो नहीं आया अभी तक। R15 लेके R15 वालों के नाम पे धब्बा, वो उस ग्रुप में से बाहर निकाल दो R15 के नाम से। उसकी खोल के वो दे देनी थी एक्सेलेंडर टीवीएस की बिक्की। वाह मेरे भाई, वाह वाह मेरे भाई। तेरे से स्प्लेंडर वाले पहले निकल गए। ये भी देख ले किसी उठा के लाए वाला वाइजर है। इस टाइम भी धंधे कर रहे हो यार। सनराइज सार से चाय की वेट कर रहे थे, तो काफ़ी टाइम से ये बेचारे
क्या हालत हो रही चाय के बिना भाई। इस बंदे की है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ हरकतें भाई साहब। ये साला सर ले जाके चाय पिलाता भाई सही सात सौ। अरे मैं दो चट्टी दाम पे रुकता भाई, अभी तो चूरू चूरू को नहीं आया। भाई रास्ते में फुल मस्ती करी है, फाइनली साला सर पहुंच चुके हैं। खारा पानी ना करना, खारा पानी ना करना, खारा पानी नहीं, खारा पानी मत पीना। पानी दिख रहा है वैसे मेरे पास। खारा पानी नहीं पीना या करना, खारा पानी पी के मत करना कि खारा पानी है खारा पानी है। खारा ही निकलेगा पिए बस मिलना दी करते हैं। इसके भी पापा मना करते हैं भाई, मैं तो झूठ बोल गया ना। डब वाली है ये तो, इसके पापा को लिंक जरूर, हाँ इसके लिंक जरूर भेजेंगे पापा को। क्या मतलब है तुम दोनों की बुद्धि में मारूं? क्या मतलब है तेरी बुद्धि में लगेगा आज लोग? चलो मतलब साथ ले लिया है और अभी हम दर्शन के लिए जा रहे हैं बालाजी के। तो टाइम हुआ है अभी 8:30 का और 8:30 हम हिसार से सालासर पहुँचे हैं। बीच में ये इन्होंने 3-4 बार ब्रेक ले लिया तो लेट हो गए थे, तो अभी चलते हैं फाइनली अंदर बाबा के दर्शन करते हैं। जैसे कि संडे है और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। यादव जी आए हुए हैं छोटे। जय श्री राम। तो एक जयकारा लगाएंगे राजपाल यादव जी। जय श्री राम। कारण बहुत ज्यादा भीड़ है और आज हमें टाइम लग सकता है दर्शनों के लिए, तो देखते हैं आज कितना टाइम लगता है दर्शनों में। इसने रास्ते में देख ले पांडे के लिए लाइन लिख रखी है, तो पांडे से बच के रहियो, पांडे से बच के रहो भाई। सर से खाटू और अभी नाश्ता करेंगे लकड़ी खोले वाला। तो साला सर मैंने बिजनेस खोला भाई साहब। अंकल अपने आप बता देगा कितना करना है। अगर टाइट
या हमारा साइड पे नशा। इधर इधर भाई इधर, ये बात है तो फाइनली हम खाटू श्याम पहुंच गए हैं और अरे अरे आओगे पंडा यहीं आओगे कहीं गुंजा रोटी चल भाई चल चलो चलो चलो। अरे बाद में खेच लियो भाई सेल्फी। क्या खाली मिली ये जगह देख खाली है। तो बाबा के दर्शन करने के बाद पांडा बागड़ी साहब और हिमांशु वापस हिसार के लिए जा रहे थे और राहुल और मैं खाटू में रुक गए थे क्योंकि हमें सुबह गोल्डन वाटर पार्क जाना था तो हमने रात को स्टे किया यहाँ पर खाटू में ही। तो आज फिर उसी जहाज़ पर हम आए हैं जहाँ पहले आ चुका हूँ। तो आज दोबारा ही फिर नाइट को हम गेड़ी लगा रहे थे तो मैंने इसको बोला राहुल को कि राहुल बोला वो तो दिल्ली में है। मैं कहा नहीं खाटू के अंदर भी एक एरोप्लेन होटल तो उसको भी दिखाने आ गया। तो चलो चलते हैं देखते हैं आज की टिकट कैसी रहती है फ्लाइट। ले भाई पकड़। गेमिंग सिस्टम भी है जैसे वो सामने दिख रहा है आपको बच्चों के लिए अलग से गेमिंग सिस्टम ही है। एक्टिविटी है बच्चों के लिए कुछ एंड अभी एंट्री करते हैं आप। एंट्री हो चुकी है पहले पंखा लगा हुआ है। जो टिकट हमने ली थी वो हमें 150 रुपये की एक पड़ी थी जो कि 50 रुपये एयरप्लेन के अंदर आने की थी। बाकी 100 रुपये जो थे वो हमारी जमा थी कुछ भी हम जो भी खाते वो उसमें कट जाते। तो 300 रुपये की हमें दो टिकट पड़ी। बाबा के दर्शनों के लिए दोबारा हम फिर दर्शनों के लिए जा रहे हैं और इस टाइम बाबा की आरती हो रही है तो देखते हैं अभी
क्योंकि कल की 11 है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। आप भी देख सकते हो कितने श्रद्धालु आए हुए आज। तो बाबा के दर्शन करने के बाद इसी ब्लॉग को हम करते हैं यहीं एंड, और अगला ब्लॉग देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक ज़रूर करें। जय श्री श्याम, जय श्री राम।